हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे हमारे चैप्टर का लास्ट पार्ट, दैट इज ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। अब ए बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का सिंपल मतलब है कि हमने इन विट्रो मोड या फिर इंडस्ट्रियल मोड में नाइट्रोजन को फिक्स करना है टू दी अमोनिया। अब हमने जब देखा कि जब हमने रिएक्टिविटी देखी कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस की, तो ये पता लगा कि अगर देखा जाए तो कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस बहुत ज़्यादा जल्दी क्लीव हो सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग NN बॉन्ड जो है नाइट्रोजन का, दैट कैन बी क्लीव्ड बाय फॉर्मिंग कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। तो इस तरीके से अब अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देंगे नाइट्रोजन का, जिसमें कि हम स्ट्रॉन्ग NN बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, तो इस तरीके से हम जो है नाइट्रोजन की फिक्सेशन कर सकते हैं। पर लेकिन यहाँ पर क्या बात थी कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्सेस बनाने हैं वो किसके साथ बनाने हैं? विद द ट्रांजिशन मेटल्स। ओके, तो डाई नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस क्या है? दैट आर एक्सटेंसिवली स्टडीड विद अ व्यू टू अंडरस्टैंड दी नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सिंग सिस्टम्स। अब नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स हम प्रिपेयर करते हैं ताकि हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग सिस्टम की तरह नेचुरल सिस्टम हमारे पास लैब में ऑप्टेन हो जाए। एंड ये कॉम्प्लेक्सेस जो है डिफरेंट ट्रांजिशन मेटल्स के ऑप्टेन हुए हैं, जैसे मॉलिब्डेनम या टंगस्टन, क्योंकि इनकी रिजेम्बलेंस है नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशन के साथ। ओके, तो मॉलिब्डेनम और टंगस्टन के जब हम नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस प्रिपेयर करते हैं तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करानी बहुत ईजी हो जाती है। इसको हमने प्रिपेयर भी करा है और करेक्टराइज भी करा हुआ है। ओके, अब जब ट्रीटमेंट करते हैं हम इनऑर्गेनिक एसिड से, जैसे HCl है, एनहाइड्रस, HBr है, H2SO4 है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड, इनके साथ जब हम ट्रीटमेंट करते हैं कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस का, ठीक है, कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स का जब हम एनहाइड्रस इनऑर्गेनिक एसिड के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा? अमोनिया मिलेगा और हाइड्राजीन मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा? अमोनिया और हाइड्राजीन। अमोनिया का फॉर्मूला आपको पता है, NH3 होता है, एंड हाइड्राजीन का सिंपल फॉर्मूला इज NH2 NH2। और लेकिन ये वेरिंग यूनिट्स में मिलेंगे, मतलब इनकी जो परसेंटेज होगी दैट कैन बी समवट डिफरेंट। एंड ये मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट है केमिस्ट्री में कि हमारी जो है केमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का कोई मेथड डिटर्मिन करे जिसमें कि सिर्फ अमोनिया मिले या फिर अमोनिया के साथ कुछ अदर ऑर्गेनो नाइट्रोजन कंपाउंड मिले फ्रॉम दी नाइट्रोजन। ठीक है, तो बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हमने प्रिपेयर करे एक्सटेंडली, बट कुछ क्लियर कट रूट्स हमें मिले हैं, तो वो उस चीज़ को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब पहला जो क्लियर कट रूट है, दैट इज़ हार्बर्स प्रोसेस। इसे हार्बर्स बॉक्स प्रोसेस भी कहते हैं। हार्बर्स बॉस्क प्रोसेस को क्या कहते हैं? बिकॉज हार्बर और बॉस्क ने इंडिपेंडेंटली इसे डिस्कवर किया था। ओके, एंड यहाँ पर हम अमोनिया बनाते हैं फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, एंड दिस इज द मोस्ट इकोनॉमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस। सो ये क्या है? सबसे सस्ता वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस है। सिंपली इसमें हम क्या देखा गया कि 1909 जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हार्बर, ठीक है, जर्मन केमिस्ट फ्रिट्ज हार्बर को आपने याद रखना है, जिसने क्या एसर्टेन किया था कि नाइट्रोजन जो है वो एयर से कंबाइन करें विद हाइड्रोजन इन एक्सट्रीमली हाई प्रेशर, तो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर लगा के और मॉडरेटली हाई टेम्परेचर लगा के, और जब हम एक्टिव कैटलिस्ट रखते हैं इसमें तो जो है हमारे लार्ज अमाउंट ऑफ अमोनिया बनता है फ्रॉम द एयर। तो ये जो है नाइट्रोजन कंपाउंड्स की जो है फॉर्मेशन के लिए अमोनिया जो है मेन कंपाउंड है। सो ये हमारे पास ऑब्टेन हो गया था इन द हार्बर्स प्रोसेस। इसकी रिएक्शन है नाइट्रोजन गैसियस है +3 हाइड्रोजन गैसियस मेटल का हम कैटलिस्ट लेंगे, 200 एटमोसफेयर मतलब काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर लेंगे, और मॉडरेटली हाई टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस हम ये ले लेंगे, तो हमारे पास अमोनिया के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में अमोनिया प्रोड्यूस होगी। ओके, अब कुछ और प्रोसेसेस भी देखेंगे, इसमें ज़्यादा डीपली हम डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज सिलेबस में यहाँ पर ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो आप इसे थोड़ा थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट था मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस कर लिया। ओरिजिनली आयरन बेस्ड हेट्रोजनस कैटलिस्ट जो है दैट वॉज यूज, ठीक है, एंड विच नाउ हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाई रुथेनियम। पहले हम हाइड्रोजन बेस्ड हाइड्रोजनस कैटलिस्ट यूज़ करते थे, बट लेकिन अब ये वाला जो कैटलिस्ट है इसको रुथेनियम ने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। एंड टाइटेनियम टू कॉम्प्लेक्स जो है ऑफ नाइट्रोजन, एक हमारे पास टाइटेनियम टू कॉम्प्लेक्स, टाइटेनियम इन द +2 ऑक्सीजन स्टेट का कॉम्प्लेक्स है नाइट्रोजन के साथ, दैट इज Cp2Ti(N2), ये Cp2 है, ठीक है। वॉट इज CP? CP का मतलब होता है साइक्लोपेंटाडाइनाइल आयन,
ठीक है, इट कैन बी ए कैटायन और एन आयन। तो यहाँ पर इसकी मैंने फोटो दिखा दी है कि ये डायग्राम है, दिस इज साइक्लोपेंटीन, ठीक है, जिसमें कि डबल बॉन्ड्स आ जाए तो साइक्लोपेंटीन बन जाता है। अब इसमें से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया है तो साइक्लोपेंटा डायनाइल एनायन है ये, ठीक है। साइक्लोपेंटा डायनाइल टाइटेनियम एंड डायनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स वॉज फॉर्म बाय फर्स्ट रिएक्टिंग साइक्लोपेंटा डायनाइल टाइटेनियम क्लोराइड, ठीक है। पहले तो हमने साइक्लोपेंटा डायनाइल टाइटेनियम क्लोराइड लिया विथ ऑर्गेनोमेटालिक रिड्यूसिंग एजेंट। पहले हमने साइक्लोपेंटा डायनाइल टाइटेनियम क्लोराइड लिया, उसको हमने रिएक्ट कराया विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो इससे क्या बनना, साइक्लोपेंटा डायनाइल टाइटेनियम, ठीक है। तो इसको अब हमने साइक्लोपेंटा डायनाइल टाइटेनियम को जो है रिएक्ट कराया नाइट्रोजन के साथ टू फॉर्म अ डायनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स। तो ये डायनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स कौन सा बना, साइक्लोपेंटा डायनाइल टाइटेनियम डायनाइट्रोजन, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो है रिडक्शन करेगा विद द टाइटेनियम, ठीक है, टू फॉर्म अ डार्क कलर सब्सटेंस, जिससे कि हमारे पास अमोनिया निकलेगा ऑन दी हाइड्रोलिसिस। ये डार्क कंपाउंड जो है दैट वॉज प्रोबेबली द नाइट्राइट। तो इसकी जो है ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास क्या थी कि हमारे पास जैसे टाइटेनियम है, ठीक है, टाइटेनियम का यहाँ पर ये साइक्लोपेंटा डायनाइल टाइटेनियम क्लोराइड में टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट थी +4। अब इसमें ये दो मॉलिक्यूल्स थे, तो इसमें क्या किया हमने, चार इलेक्ट्रॉन डालिए क्योंकि टू फॉर ईच, तो टू इलेक्ट्रॉन डालने पर ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की रिडक्शन होगी टू द +2 स्टेट, ठीक है। कैसे हुई, फ्रॉम दी इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है, ये हमारा ग्रीन लाइट एजेंट है। तो हमारे पास क्या बना, डायसाइक्लोपेंटाडायनाइल टाइटेनियम कॉम्प्लेक्स, तो ये हमारे पास बन गया जिसमें कि टाइटेनियम टू पॉजिटिव स्टेट थी हमारे पास। अब इसको हमने नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कराया, रिएक्टेड स्लोली विद नाइट्रोजन टू फॉर्म डायनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स। अब ये जो है टाइटेनियम का तो ऐसे ही है, ठीक है, साइक्लोपेंटाडायनाइल तो उससे जुड़े हुए हैं, टाइटेनियम के साथ हमने डायनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स जोड़ दिया, ठीक है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन वाला डायनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स ये बन गया। इसमें दो इलेक्ट्रॉन्स डालने पर मतलब हमारे क्या किया, हमने रिड्यूसिंग एजेंट डाला तो हमारे पास टाइटेनियम 4 के का कॉम्प्लेक्स बन गया दैट वाज कोऑर्डिनेटेड विद नाइट्रोजन, ठीक है। ये हम सोचते हैं कि ये डार्क कलर कंपाउंड है, दैट वाज प्रोबेबली द नाइट्राइड। अब इसकी जो है हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमारे पास अमोनिया मिल जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास ओवरऑल रिएक्शन है, ये बहुत इजी रिएक्शन है अगर आप इस पैराग्राफ को अच्छे से समझ चुके हैं, ओके। एंड ये शो करता है कि नाइट्रोजन जो है वो जो कोऑर्डिनेटेड है बिकम नाइट्राइड अपॉन द रिडक्शन, तो ये कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन नाइट्राइड बन जाती है जब रिडक्शन होती है, तो नाइट्राइड जो है वो अमोनिया बना रहा है फाइनली। तो ये इसकी सिंपल रिएक्शन है, नाइट्रोजन जो है कोऑर्डिनेटेड वाला जिसमें कि हम रिडक्शन करेंगे तो हमारे पास नाइट्राइड बनेगा, फिर इसमें जो है हाइड्रोलिसिस की H पॉजिटिव आयन रिएक्ट करे तो हमारे पास अमोनिया बन गया। सो इस तरीके से हम अमोनिया बना सकते हैं इन द लेबॉरेटरी ऑल्सो, ओके। सो ये डायसाइक्लोपेंटाडायनाइल कॉम्प्लेक्स से हमने बना दिया, ओके। अब नेक्स्ट हमारे पास सिमिलर स्टडी थी जिसमें कि मैक्सिमम यील्ड 2 मोल्स पर मेटल हमने नाइट्रोजन का कॉम्प्लेक्स जो है अमोनिया बनाए थे, ठीक है, बाय द रिडक्शन ऑफ VCl3 वेनेडियम ट्राइक्लोराइड की रिडक्शन करी विद लिथियम नेथैलाइड, ठीक है, नेफ्थेलाइट से हमने जो है VCl3 मतलब वेनेडियम ट्राइक्लोराइड की रिएक्शन करी। तो इसमें हमने कंडीशंस क्या लाई, 120 एटमॉस्फेयर प्रेशर और टेम्परेचर लगाया 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें रिएक्शन जो है इसमें रिडक्शन हुई वेनेडियम 3 पॉजिटिव की वेनेडियम 0 स्टेट में, एंड ये जो है कॉम्प्लेक्स बना देता है वेनेडियम 0 वाला नाइट्रोजन के साथ, और कोऑर्डिनेट नाइट्रोजन जो है वो फिर से नाइट्राइड बना लेगा ऑन हाइड्रोलिसिस। तो नाइट्राइड जो है हाइड्रोलिसिस करने पर अमोनिया बना देगा। अब देखो ये वेनेडियम ट्राइपॉजिटिव स्टेट में था VCl3 में, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स डाले, ठीक है, रिडक्शन हुई तो वी बन गया, वेनेडियम बन गया। अब नाइट्रोजन डालेंगे तो ये कोऑर्डिनेटेड नाइट्रोजन बन गया। अब इसमें मेटल डाला ताकि इसकी जो है हमारे पास नाइट्राइड बन जाए, तो ये नाइट्राइड बन गया इन 3 पॉजिटिव स्टेट बिकॉज यहाँ पर वेनेडियम 3 बॉन्ड्स बना रहा है। जब हमने इसमें ट्राइल लिथियम नाइट्राइड डाला तो हमारे पास जो है वाटर के प्रेजेंस में हमने इसकी हाइड्रोलिसिस करी तो हमारे पास अमोनिया बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है अमोनिया बना सकते हैं फ्रॉम दी वेनेडियम कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो, ओके। तो लेबॉरेटरी में सिंपल रिएक्शन है। अब फर्स्ट सिग्निफिकेंट जो स्टडी है नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस की और उनकी कैरेक्टराइजेशन जो कि वॉज ऑन द रुथेनियम कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, रुथेनियम कॉम्प्लेक्सेस पर इनकी हमने कैरेक्टराइजेशन करी है, दैट वॉज सिंथेसाइज्ड इन 1965। तो दैट नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस कब सिंथेसाइज हुए थे, 1965 में। यहाँ पर हमने हाइड्रोजन यूज़ किया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट एंड एज ए सोर्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये सिंपल रिएक्शन है,
हमने रुथीनियम का कॉम्प्लेक्स लिया, ठीक है, रुथीनियम पेंटामाइन रुथीनियम क्लोराइड दिया, इसमें हमने अमलगम डाला, ठीक है, जिसके साथ इसकी रिडक्शन होगी, मतलब जो हमारे पास क्लोराइड था दैट वाज रिप्लेस्ड बाय वाटर, ठीक है, वाटर आ गया। अब यहाँ पर ये वाटर के साथ कोऑर्डिनेट है, अब इसमें नाइट्रोजन डालते हैं तो वाटर इज़ रिप्लेस्ड बाय नाइट्रोजन, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन कहाँ से आया यहाँ पर, हाइड्रोजन से। तो दिस वॉज अ पेल येलो कॉम्प्लेक्स फॉर्म फ्रॉम द रुथीनियम, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा डाइनाइट्रोजन कॉम्प्लेक्स था रुथीनियम वाला। अब हमने देखा कि बहुत सारे नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेज जो हैं वो सिंथेसाइज हुए हैं, ठीक है, एंड उनके हमने करेक्टराइजेशन बहुत सारी की है, बट मेन इंटरेस्ट हमारा कहाँ पर है, दैट इज़ मेटल नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेस में, ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट्स में हमारा इंटरेस्ट है दैट कन्वर्ट नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो यहाँ पर फिर भी NH3 आना अंडर एम्बियंट कंडीशंस, एंड ये ऑब्जर्व किया गया कि मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेज जो हैं दैट आर इनर्ट एज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, दैट इज़ वाई इनकी यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस पढ़नी बहुत मुश्किल है, बिकॉज काफ़ी सारे नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेज इनर्ट होते हैं। इसके आगे आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं नाइट्रोजन कॉम्प्लेक्सेज में, बट यहाँ तक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो था हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। तो इन द नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर हमारा सारा मैंने कवर कर दिया। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको डाउट्स हैं, आपको क्वेश्चंस चाहिए, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझे जो है आप व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, एंड आप एक और बात, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके अपने क्वेश्चंस सॉल्व करवा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड स्टे ट्यून्ड एवरीवन, थैंक यू सो मच।